ग्राम दाभा के पटवारी प्रीति खोड़े पर रेती का ट्रैक्टर झोड़ने को लेकर अभी तक एसडीएम कार्यालय से क्यूब नहीं किया गया। कार्यवाही स्वयं ट्रैक्टर चालक मालिक ने तहसील कार्यालय भंडारा के तहसीलदार अक्षय पोयम के समक्ष अपना बयान दिया। तहसीलदार साहब ने स्वयं अहवाल बनाकर आगे की कार्यवाही के लिए भेज दिया है। इस विषय को लेकर युवा सेना जिला संगठक प्रवीण कदम्बे ने प्रतिक्रिया दी, सुनिए उनकी जुबानी। रोड पे एक ट्रैक्टर पकड़ा गया जिसपे पटवारी प्रीति खोड़े स्वयं ट्रैक्टर पे बैठी थी, ऐसी बातमी पुलिस वाला वेब न्यूज पे प्रकाशित हुई। अब वो ट्रैक्टर वहाँ से कैसे भाग सकता है, ये थोड़ा संशयास्पद है। इस विषय पे जानकारी ली तो हमें पता चला कि पटवारी प्रीति खोड़े ने वो ट्रैक्टर मालक से 6 ग्राम की अंगूठी ली जमानत के तौर पे, और उसको ये कहा कि तुम अभी यहाँ से निकल जाओ कि तहसील से गाड़ी आ रही है, सूत्रों से पता चला। उसके बाद ट्रैक्टर मालक ने सदर विषय पे तहसील कार्यालय में तकरार की और अपना बयान भी वहाँ पे दर्ज किया, और तहसीलदार मार्फत सदर घटना का अहवाल एसडीएम कार्यालय में भेजा गया कि वो संबंधित पटवारी के ऊपर कार्रवाई करने बाबत। लेकिन अभी तक एसडीएम कार्यालय की तरफ से संबंधित पटवारी के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। विषय पे हमारी मांग है कि एसडीएम ऑफिस के तरफ से पटवारी प्रीति खोड़े इनके ऊपर तत्काल कार्रवाई की जाए। अगर ऐसा नहीं होता तो ये संबंधित मुद्दे को हम अपनी तरफ से हैंडल करेंगे। और उसमें एक चीज़ ये भी आती है कि जो पटवारी और एसडीएम कार्यालय, इनका क्या कोऑर्डिनेशन है और ये कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे, क्यों डिले हो रहा है कार्रवाई पे, ये हमारी उनसे एसडीएम से मांग है कि पटवारी के ऊपर जो है धाबा पटवारी खोड़े करके उनके ऊपर तत्काल कार्रवाई।